हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। आई एम योर ईवीएस टीचर प्रवर्तिका वर्मा। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट की चैप्टर फर्स्ट आई एम स्पेशल और यूनिक पढ़ाऊंगी। आई एम स्पेशल और यूनिक का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? स्पेशल मतलब कि आपके अंदर या आपके आसपास जितने लोग भी रहते हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। जैसे सपोज़ करिए, आप जितने भी लोग हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों। हाँ, आपके फ्रेंड हैं या आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, वो ज़रूरी तो नहीं है कि जो क्वालिटी आपके अंदर है वही क्वालिटी उनके अंदर भी हो सकता है कि उनसे कुछ अलग भी हो आपसे। आप जैसे हो सकता है कि आपको स्टडी बहुत पसंद है, हो सकता है उनको डांसिंग बहुत पसंद हो, आपको प्ले करना बहुत पसंद है, सपोज़ चेस कैरम ये सारी चीज़ें पसंद हैं, उनको हो सकता है कि प्ले में फुटबॉल बहुत पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि बताने का यही था कि स्पेशल और यूनिक का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास जितने लोग रहते हैं या हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, जिस उस क्वालिटी की वजह से वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। जैसे सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप बहुत लंबे हो तो हो सकता है कि उसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट हो, आप बहुत पतले हो सकता है वो बहुत फैटी। सब जितने भी लोग होते हैं सब में कोई ना कोई क्वालिटीज़ बाई बर्थ होती है। जैसे कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, किसी को स्विमिंग बहुत पसंद है, कोई 5 ईयर्स का है उसके में कुछ क्वालिटीज़ है, कोई 4 ईयर्स का है उसके में कुछ क्वालिटीज़ है। तो जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपने में स्पेशल और क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल और यूनिक होते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं चैप्टर पे हमारे। किस पे आते हैं? चैप्टर पे। My parents says I am special as there is no one like me in the world. You are special too. मतलब कि मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशल हूँ और आप भी अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशल होगे। जैसे हम फैमिली में जितने भी मेम्बर्स रहते हैं या हम पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स के जितने भी बच्चे हैं, मतलब हम जितने भाई बहन हैं, हम सब अपने पेरेंट्स के लिए क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हम जितने भी भाई बहन हैं सब में क्या होती है? कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। क्या होती है? स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि आप ब्रदर हो, आपकी कोई सिस्टर होगी, आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हो सकता है वो क्लास UKG में पढ़े हो या आपसे अबव क्लास में होंगी, तो ये सारी क्या है? उनके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ है और जिससे वो यूनिक हो जाते हैं। आई एम आई एंड यू आर यू। मैं हूँ और आप हो। जैसे मेरे बताने का मतलब था कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अंदर हो, और जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हो। इसलिए मैं हूँ और आप हो। एवरी वन इज़ यूनिक। सभी क्या है? यूनिक हैं। Now meet my friend Ayush. He is unique and different in many ways. So चलिए हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, मेरे फ्रेंड से जिसका नाम क्या है? आयुष है। जिसका नाम क्या है? आयुष है। वो बहुत तरीकों से सबसे थोड़ा डिफरेंट है और क्या है? यूनिक है। जो उनके अंदर क्वालिटीज है उस क्वालिटी से वो क्या है? अपने में यूनिक और डिफरेंट है। चलिए हम मिलते हैं अपने फ्रेंड आयुष से। किससे मिलते हैं? मेरे फ्रेंड आयुष से। आप लोग अब सपोज़ करिएगा कि मैं क्या हूँ? आयुष हूँ। मैं क्या हूँ? आयुष हूँ और मैं अपनी क्वालिटीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। आप सब मुझ में सपोज़ करना कि मैं आयुष हूँ और मैं अपनी जो मेरी क्वालिटी है वो उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। हे, आई एम आयुष। मेरा नाम क्या है? आयुष है। मेरा नाम क्या है? आयुष है। आई एम अ बॉय। मैं क्या हूँ? ए
लड़का हूँ, मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। अब आप लोग जो हो एक क्लास में अगर पढ़ रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, जो भी, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोग क्या हो, बॉयज़ ही हैं। गर्ल्स भी हो सकती हैं उसमें, बॉयज़ भी हो सकते हैं उसमें, कुछ आयुष भी हो सकते हैं, या हो सकता है मे बी किसी का नाम अंकित हो, किसी का नाम राहुल हो, किसी का नाम राम हो, मतलब किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे आयुष ही हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए कि आप उसको समझ सको, आप उसको क्लियर हो जाए आप लोगों को। आई एम 5 years old, मेरी एज क्या है, 5 years old। अब आपके जितने फ्रेंड्स होंगे या आप जितने ब्रदर सिस्टर हो, वो ज़रूरी तो नहीं है सब 5 years के हैं। कोई 6 years का होगा, कोई 4 years का होगा, मे बी कोई 10 years का भी हो सकता है। आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। हमने यहाँ पे क्लास फर्स्ट क्यों लिया है, क्योंकि हम कौन से क्लास की स्टडी कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट का, इसलिए मैंने क्या लिया है, क्लास फर्स्ट। आयुष कौन से क्लास में पढ़ता है, क्लास फर्स्ट में। आई हैव ब्राउन आईज, मेरी आंखें कैसी है, ब्राउन है, मेरी आंखें कैसी है, ब्राउन है। मे भी हो सकता है कि आपकी है कि सबकी आंखें मतलब ब्राउन हो या डार्क ब्राउन हो, किसी की ब्लैक भी हो सकती है, किसी की ग्रे भी हो सकती है, किसी की ब्लू भी हो सकती है। एंड शॉर्ट स्ट्रेट हेयर, मेरे बाल कैसे हैं, शॉर्ट और स्ट्रेट, मेरे बाल कैसे हैं, शॉर्ट और स्ट्रेट। मे बी आपकी जो सिस्टर होंगी उनकी शॉर्ट और स्ट्रेट तो होगी नहीं बाल, उनकी बाल लॉन्ग हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं, मतलब कैसे भी हो सकते हैं। माई हॉबी इज टू स्विम, मेरी हॉबी की स्विमिंग करना है, मेरी हॉबी क्या है, स्विमिंग करना। आयुष की हॉबी क्या है, स्विमिंग करना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं या हम जितने भाई बहन हैं सारे स्विमिंग करें, कोई डांस भी कर सकता है, कोई म्यूज़िक भी कर सकता है, किसी को स्टडी किसी की हॉबी हो सकती है, किसी की हॉबी प्ले करना हो सकता है, इंडोर गेम या आउटडोर गेम, कुछ भी हो सकती है किसी की भी हॉबीज़। आई एम फैट, मैं कैसा हूँ, मोटा हूँ, मैं कैसा हूँ, मोटा हूँ। आयुष क्या है, बहुत मोटा है। और जितने स्टूडेंट हैं वो ज़रूरी तो नहीं है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सबके सब मोटे हों, कोई पतला भी हो सकता है। आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने कौन से हैंड से राइट करता हूँ, लेफ्ट हैंड, इसलिए मैं क्या हूँ, ये मेरी यूनिकनेस है। लेफ्ट हैंड से राइट करना मेरी क्या है, यूनिकनेस है, क्योंकि मोस्टली लोग, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या, किस हैंड से राइट करते हैं, राइट हैंड से, किस हैंड से राइट करते हैं, राइट हैंड से। और मैं किस हैंड से राइट करता हूँ, जो आयुष है मेरा फ्रेंड, वो लेफ्ट हैंड से राइट करता है। तो मेरा आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आया होगा, मैं अभी तक आयुष बनके आप लोगों को बता रही थी कि आयुष में क्या क्या स्पेशल और यूनिक क्वालिटीज़ है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, एक क्या है, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, एक का नाम अंकित है और एक का नाम क्या है, राधा है। एक का नाम अंकित है और एक का नाम राधा है। अंकित क्या है, बॉय है, अंकित क्या है, बॉय है, और राधा क्या है, गर्ल है, राधा क्या है, गर्ल है। अंकित कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, अंकित कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्लास फर्स्ट में पढ़ता है। और जो राधा है उसकी सिस्टर, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, वो थर्ड, क्लास थर्ड में पढ़ती है। राधा कौन सी क्लास में पढ़ती है, वो राधा उनकी जो सिस्टर है वो क्लास थर्ड में पढ़ती हैं। अंकित की हेयर कैसे हैं, शॉर्ट है, अंकित के हेयर कैसे हैं, शॉर्ट है, क्योंकि वो बॉय है, वो बॉय है इसलिए उनके हेयर कैसे हैं, शॉर्ट है। और राधा उनकी जो सिस्टर है अंकित की, उनके हेयर कैसे हैं, लॉन्ग है, उनके हेयर कैसे हैं, लॉन्ग है, क्योंकि वो क्या है, गर्ल है, वो क्या है, वो गर्ल है इसलिए उनके हेयर कैसे हैं, लॉन्ग है। अंकित को बहुत प्ले करना बहुत पसंद है, अंकित को क्या करना पसंद है, प्ले करना, जस्ट लाइक उनको क्रिकेट बहुत
पसंद है। अंकित को क्रिकेट उनकी हॉबी है। अंकित की हॉबी क्या है? क्रिकेट। और जो राधा है उनकी हॉबी क्या है? स्टडी। उनकी हॉबी क्या क्या है? स्टडी। उनको पढ़ना क्या है? बहुत पसंद है। ज़रूरी तो अब साथ जो भी वीडियोस देख रहे होंगे सोच रहे होंगे स्टडी करना किसको पसंद होता है, क्योंकि आजकल पढ़ने का तो किसी का मन नहीं होता है। तो उनकी हॉबी क्या है? स्टडी है। और अंकित जो है वो कैसा है? वो पतला है। अंकित कैसा है? वो पतला है। और जो उनकी सिस्टर राधा है वो कैसी है? वो बहुत मोटी है। वो कैसी है? वो बहुत मोटी है। अंकित किस हैंड से अपने राइट करते हैं? अंकित लेफ्ट हैंड से राइट करता है। अंकित जो ब्रदर है वो किस हैंड से राइट करता है? वो अपने लेफ्ट हैंड से राइट करता है। और जो राधा है अंकित की सिस्टर, वो अपने किस हैंड से राइट करती है? वो अपने राइट हैंड से राइट करती है। वो अपने किस हैंड से लिखती है? राइट हैंड से। तो मैंने आप लोगों को एक ब्रदर और एक सिस्टर की का एग्जाम्पल दिया। अब आप लोग विजुलाइज करना कि जो आपके ब्रदर या सिस्टर हैं वो आपसे अलग है या नहीं। ज़रूरी तो नहीं है कि जो क्वालिटीज़ आप में हो वो क्वालिटीज़ उनके में भी हो। वो उनके में कुछ अलग क्वालिटीज़ होगी, आपके में कुछ अलग क्वालिटीज़ होगी। तो आप इसको कंपेयर करके देखना अपने किसी ब्रदर या सिस्टर से, या अपने किसी फ्रेंड से, या अपने किसी क्लासमेट से, या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से कंपेयर करके देखिएगा कि आप जो मैंने बताया आप लोग वैसे हो या नहीं हो। अगर मेरा भी पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।